अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मंच के बैनर तले दलित वर्ग ने शिक्षिका मैना परसोया के स्थानांतरण आदेश को निरस्त नहीं करने एवं सुरक्षा देने को लेकर उपखंड कार्यालय में एसडीएम देविका तोमर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। दरअसल मामला है पुष्कर की समीपवर्ती गांव तिलोरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का, जहां शिक्षिका सीमा शर्मा के तबादले से खफा स्कूली बच्चे और ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन कर शिक्षिका सीमा शर्मा के तबादले को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दलित वर्ग का आरोप है कि बच्चों को उकसाकर कुछ लोग इसे राजनीतिक हवा दे रहे हैं, जबकि दलित वर्ग की विधवा महिला व्याख्याता मैना परसोया का स्थानांतरण नियम अनुसार किया गया है। दलित वर्ग का आरोप है कि शिक्षिका का दलित होने के कारण शाला के बच्चों को राजनीतिक षड्यंत्र पूर्वक भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उकसाकर भड़काकर शाला के मुख्य द्वार पर तालाबंदी करवा दी गई। वहीं पदयात्रा के दौरान 2 अक्टूबर को भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी, पुष्कर विधायक सुरेश रावत ने जो समर्थन दिया उसकी दलित समाज घोर निंदा करता है। आज अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार मंच के बैनर तले हमारे उपखंड अध्यक्ष श्री नौरतमल जी गुरावा और प्रदेश कार्य समिति श्री गोपाल जी तिलानिया के नेतृत्व में एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है कि तिलोरा स्कूल के अंदर जो एक एससी एसटी की शिक्षिका महिला विडो कोटे से ट्रांसफ़र होके आई है, जो कि विगत 15 वर्षों से मसूदा थी और आज 15 वर्षों से उसका यहाँ स्थानांतरण सरकार ने एक नियमानुसार और पद्धति अनुरूप किया है, लेकिन कुछ लोग इसको राजनीति तूल दे के इस मामले को ज़बरदस्ती वहाँ बच्चों को उकसा के उन बच्चों में ऐसी मानसिकता पैदा की जा रही है, स्कूल के तालाबंदी करवाया जा रहा है जो कि नियम विरुद्ध है। और कल जो एमएलए साहब और सांसद महोदय अपनी पद यात्रा के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग जाम में उनके साथ सम्मिलित हुए, क्या उनके खिलाफ 332-353 पीडीपी के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? ऐसा क्यों, जबकि ऐसे जनप्रतिनिधियों का ये फर्ज होता है कि इस जो भी कार्रवाई है उसको नियमानुसार राज्य सरकार को पेश करे, राज्य सरकार के द्वारा उसको नियमानुसार विधि के अनुसार कार्रवाई की जाए। असली हमारी यही मांग है जो शिक्षिका स्थानांतरित होके आई है उनको वहीं यथावस्थिति में रखा जाए और वहीं पे कुछ लोग जो अपनी राजनीतिक की रोटियां सेक रहे हैं, हम नहीं चाहते बच्चों के साथ में किसी तरह का कोई इस तरह से राजनीति हो, हम चाहते हैं बच्चों के भविष्य के साथ में किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं हो और जो वर्तमान में जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया जाए और वहाँ बच्चों को डेली अपने स्कूल में भेजा जाए और इस तरह से जो राजनीति रोटियां सेक रहे ऐसे नेताओं पर प्रतिबंध लगाया जाए और जो भी है इस तरह की अगर नियम विरुद्ध कानून प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।